जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब है गुजरात हाई कोर्ट GHC द्वारा जारी स्टेनोग्राफर के पदों की। गुजरात हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताने वाला हूँ 13 अगस्त 2018 के क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों की नाम, और उसका सही जवाब दिया है यश कुमारी। यश कुमारी के अलावा और किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है। साथियों, आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जॉब की। पोस्ट का नेम स्टेनोग्राफर, जिसका पे स्केल 39,900 रुपये से 1,26,600 रुपये तक का है। जॉब लोकेशन इसकी गुजरात है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंग्लिश स्टेनोग्राफर पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए और इंग्लिश शॉर्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। गुजराती स्टेनोग्राफर पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए और गुजराती शॉर्टहैंड में 75 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट 31 अगस्त 2018 की गणना के अनुसार अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के कुल पदों की संख्या 92 है और गुजराती स्टेनोग्राफर की कुल पदों की संख्या 114 है। एप्लीकेशन फी SC ST EBC PH एक्स सर्विसमैन को 300 रुपये और बाकी सभी अभ्यर्थियों को 600 रुपये। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन कैश चालान के माध्यम से पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट और ओरल इंटरव्यू पर आधारित है। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.hc.ojas.guj.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेम्बर, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की स्टार्टिंग डेट 16 अगस्त 2018 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त 2018 है और स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट की संभावित तिथि 25 नवंबर 2018 है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड वेबसाइट। इससे अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gujarathaicourt.nic.in पर जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आवेदन करना भी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों ही देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अब समय है आज के क्वेश्चन का। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने वालों के नाम अगले वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। इसी तरह जॉब के डेली अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।